हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एटम वर्क सीलिंग फैन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। मैंने ऑनलाइन एटम वर्क का रेनेसा स्मार्ट प्लस पर्ल वाइट ये मॉडल बुक किया है। सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, बाद में मैं आपको इंस्टॉलेशन और रेगुलेटर बाईपास और बहुत कुछ डिटेल में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। सबसे पहले इसको मैं अभी कट कर लेता हूँ। इसको कट करने के बाद ओपन कर देता हूँ। इसके अंदर हमें 2+1 ईयर का वारंटी कार्ड मिला है। ये जो मैंने पर्ल व्हाइट आपको पहले ही बोला था उस टाइप का ये मेन BLDC फैन, उसके साथ रिमोट, यहाँ पर इसका ये फैन का एसेसरीज, उसके बाद ये इसमें इसकी कुछ एसेसरीज आई हुई है। ओपन करके दिखाता हूँ। ये रिमोट की बैटरीज, AAA बैटरी है इसमें, और इस साइड में इसके ब्लेड दिए हुए। ये था एटमबर्ग रेनेसा स्मार्ट प्लस पर्ल वाइट का अनबॉक्सिंग वीडियो। अब मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। उसके पहले हमें रेगुलेटर और बाईपास कैसे करना चाहिए ये दिखाता हूँ। अब रेगुलेटर बाईपास के लिए हमें सिंपल ये रेगुलेटर, यहाँ से मैं डायरेक्ट पूरा बोर्ड ना निकालते हुए सिर्फ रेगुलेटर ओपन कर लेता हूँ इस तरह से। ये रेगुलेटर खोलने के बाद इसको बाईपास करने के लिए, इसको ओपन करने के बाद ये जो दो वायरिंग है इसको मैं एक कर देता हूँ। पहले फैन ऑफ कर दूंगा, उसके बाद ये वायरिंग को मैं, ये रेगुलेटर निकाल लूँगा और ये वायर एक कर दूंगा, जोड़ दूंगा इनको। ये हो गया उसका रेगुलेटर बाईपास। अभी फैन ऑफ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो फैन ऑन हो चुका है फैन। अभी फैन बंद हुआ है, बंद होने के बाद मैं अभी इसको जोड़ दूंगा और रेगुलेटर निकाल लूँगा। ये हो गया रेगुलेटर बाईपास। इस तरह से ये दोनों वायर कट करना है, एक और ये पकड़, इसको पकड़ता हूँ मैं। ओके, ये कट होने के बाद ये दोनों वायरों को जोड़ लेना है। ये दोनों वायर को जोड़ने के बाद हमें इस पे टेपिंग कर देना है इस तरह से। इस तरह से इसको टेपिंग करने के बाद इसको अंदर डाल देना है। इसको टेपिंग करने के बाद ये जो रेगुलेटर है उसकी दोनों वायर को मैं टेप कर देता हूँ और बाद में यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ ताकि ये जो खाली जगह है ये अच्छी दिख सके। इस तरह से काफ़ी इजी वे में अपना रेगुलेटर बाईपास हो चुका है। डायरेक्ट हम जब बटन ऑन करते हैं तो फैन डायरेक्टली फुल स्पीड से ऑन होता है। इस तरह से फैन फुल स्पीड से ऑन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो पहले इंस्टॉल किया हुआ फैन था उसको मैं अभी निकाल लेता हूँ, बाद में मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताता हूँ। अभी फैन हमने निकाल लिया है। इस तरह से हमने ये फैन, अभी इसको हम इंस्टॉल करने के लिए इसको ब्लेड बैठा लेते हैं। ब्लेड इंस्टॉल करने के लिए हमें पहले ये सब स्क्रू निकाल लेने हैं और बाद में ब्लेड इसको लगा लेंगे। इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से ब्लेड इंस्टॉल कर लिए। अब इस तरह से हमें पंखा यहाँ पर नट की मदद से फिट कर लेना है। मैं आपको नट लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह से मैंने ये नट लगा लिया है। इस नट में पिन डाल के और इसको स्पैनर से टाइट कर लेना है। नट लगाने के बाद ये जो रेड वायर है ये नीचे की रेड में, और ये जो येलो है ये ऊपर के ब्लैक में आपको हमें अभी लगा देनी है।
इस तरह से रेड में रेड और ब्लैक में मैंने येलो वायर लगा लिए। ऊपर की कैप अभी नीचे मैं लगा लूँगा। इस तरह से फ़ैन का इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब मैं आपको स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। स्विच ऑन कर दिया है और इस तरह से फ़ैन स्टार्ट हो रहा है। अब बाकी मैं रिमोट में बैटरी इंस्टॉल करके आपको रिमोट से ऑपरेट करके दिखाता हूँ। इस तरह का रिमोट आता है, इसको पीछे से ओपन करके इसमें हम बैटरी इंस्टॉल कर लेते हैं। बैटरी इंस्टॉल करने के बाद हम देखते हैं मोड, इसका फर्स्ट मोड। देखिए फर्स्ट मोड में स्पीड कम हो चुका है। अभी मैं फिफ्थ मोड लगाया हूँ, फिफ्थ में भी उसका स्पीड अभी बढ़ना चालू हो गया है। ये होगा इसका टर्बो मोड ऑन, इससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ता है। इस तरह से हमने काफ़ी सक्सेसफुली फ़ैन का इंस्टॉलेशन किया हुआ है। इसी तरह के काफ़ी यूनिक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है और इसी तरह के काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे अभी अपलोड होंगे, इसलिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।